नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी पुलिस का रिजल्ट चेक कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको यूपी पुलिस का रिजल्ट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस की मेन वेबसाइट पर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपके सामने जो अभी वेबसाइट खुली है, यह है यूपी पुलिस बोर्ड की तरफ से। जो एडमिट कार्ड निकलते हैं वहाँ डायरेक्ट मेन साइट पे आ गया हम। दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों ये साइट लॉगिन करके आपको एडमिट कार्ड वाली लिंक पर क्लिक करना है। दोस्तों, यदि आपको ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट ही यहाँ पर पहुँच जाएँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, अपना जो देख लें एडमिट कार्ड कौन सा करना है, DB और PST वाला एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पर रहेगा कि आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है अपना। और दोस्तों, यहाँ पर डालना है दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ कैसी डालनी है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर्स, ये इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर सब में लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आता है जो आपको यहाँ पर कैप्चर दिख रहा है, यह कि जो कैप्चर्स में यह पूरी के इमेज में जो भी अल्फ़ाबेट दिए हैं X, R, P, Y, 2, यह इस कॉलम में डालने पड़ते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल सही सही डालने पड़ते हैं, एक गलत हो जाता है तो यह रिजल्ट आपका नहीं होता। दोस्तों, यदि आपको यह जो समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिक रीसेट हो रहा है। ठीक है, यदि कोई भी आपको अल्फाबेट यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप इससे वो कर सकते हैं कि रीसेट हो जाएगा, दूसरे नए आ जाएंगे। दोस्तों, इसको सेम टू सेम आप इस कॉलम में उतार दीजिए। तो दोस्तों, ये तीनों कॉलम यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तीन स्टेप, सब में लास्ट में स्टेप है दोस्तों यहाँ पर लॉग इन। दोस्तों, तीनों कॉलम भरने के बाद आप यहाँ लॉग इन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है वह डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा कॉलम है कौन सा, कैप्चर्स ऑफ जो इमेज में कैप्चर अल्फाबेट दिए इसमें उतारना है, फिर आपको लॉगिन कर देना है, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।